लोग हर दिन नई नई चीजों का अनुभव लेना चाहते हैं। वहीं बदलते जमाने के अनुसार चीजों में भी लगातार बदलाव देखने को मिलता है। लोग कई बार पुरानी चीजों को लेकर ही नया करने की चाहत रखते हैं। ऐसे में अभी स्मोक बिस्किट खाने के लिए काफी भीड़ लगती है। अभी पूर्णिया के युवाओं का ट्रेंड बन चुका है स्मोक बिस्किट। दरअसल पूर्णिया के युवा स्मोक बिस्किट खाने के लिए इस जगह पहुँच रहे हैं और स्मोक बिस्किट खाने के बाद धुआं महसूस होने के बाद उन्हें अच्छा लग रहा है और खूब आनंद ले रहे हैं। ग्राहकों ने पहली बार अनुभव किया साझा स्मोक बिस्किट खाने आए युवा रजनीश कुमार, विशाल कुमार, मनीष भारती, आजाद शहीद अन्य कई युवाओं ने कहा कि अपनी जिंदगी में पहली बार स्मोक बिस्किट खाया। उन्हें खाने से पहले कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह जब स्मोक बिस्किट खाया तो उन्हें काफी अच्छा लगा। वह कहते हैं कि यह स्मोक बिस्किट से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ खाने के समय में मुंह में ठंडक ज्यादा लगी है जिस कारण उन्हें खूब मजा आया और बिस्किट खाने के बाद उनके मुंह और नाक से धुआं निकलना शुरू हो गया, जिस कारण युवा बढ़ चढ़ कर स्मोक बिस्किट खाने आ रहे हैं। पूर्णिया के कैथोलिक चर्च कैंपस में लगे डिज्नीलैंड मेला में स्मोक बिस्किट बेचने आए दुकानदार यूसुफ कहते हैं कि स्मोक बिस्किट हालांकि यह एक साधारण बिस्किट होता है जो खुले बाजार से खरीद कर लाते हैं, लेकिन सिर्फ इसे खिलाने के तरीके अलग होते हैं, जिसे लेकर वह अपने पास रखे लिक्विड नाइट्रोजन गैस में निकाल कर बिस्किट को डुबो कर डालते हैं। कुछ देर तक लिक्विड नाइट्रोजन गैस में डुबो कर बिस्किट को हिलाते डुलाते हैं। जब उसका ठंड कम हो जाता है उसके बाद ग्राहकों को खाने के लिए देते हैं। ग्राहक उस बिस्किट को खाकर खूब मजा लेते हैं। ग्राहकों के खाने के बाद मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि आप स्मोक बिस्किट बेच रहे हैं यहाँ पर, इससे क्या कुछ किसी को नुकसान भी होता है? अभी तक तो किसी को नुकसान नहीं हमसे हुआ है, लेकिन औरों से खाया होगा तो उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जो है बिल्कुल सर बहुत ठंडा होता है वो, हम बिल्कुल अपने देख लेते हैं उंगली में कि हमारा उंगली बर्दाश्त कर रहा है, फिर हम जब जाते हैं। ये साधारण बिस्कुट होता है जो आम बिस्किट ये दुकान में बिकता है, यही बिस्कुट होता है, यही बिस्किट होता है। हाँ, और हम जो लाते हैं पूरा एकदम बिल्कुल सुरक्षित के साथ खिलाते हैं, हाथ में रख करके पहले देख लेते हैं, ना हाथ में ग्लव्स कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में देखे कुछ बस उसको हार धार करके पूरा स्मोक उसका निकाल देते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं बिल्कुल जो भी है तो उसको मुँह में डाल। बनाते कैसे हैं इसको, स्मोक कैसे करते हैं इसको? ये नाइट्रोजन आता है सर, नाइट्रोजन गैस रखते हैं। कितना इस पर तापमान रखते हैं इसका? 180 होता है सर, वो बताते हैं तो हम लोग माइनस में नहीं है सर, माइनस में रखते हैं। अवेलेबल में हो जाता है जी में, कहाँ से लाते हैं गैस? सर ये दे देते हैं जैसे मार्केट में आते हैं ना वो लेकर। अच्छा, नाइट्रोजन वाला। तो चूंकि गैस आप रख रहे हैं तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता होगा, रखना होगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, हम तो फर्स्ट बार आगे लगे हुए किए हैं सर। लेकिन बिस्किट खा रहे हैं युवा इस बिस्किट को? हाँ खा रहे हैं। स्मोक बिस्किट कितने का खिलाते हैं आप? 10 रुपये। 10 रुपये खिलाते हैं। क्या नाम हुआ? कौन सी जगह दुकान है ये अपना? यहाँ तक पूर्णिया में। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी सर हम रहने वाले सुपौल से हैं, लेकिन इससे पहले आप ये कारोबार कहाँ करते थे? ये स्मोक वाला तो यहीं किए हैं सर, यहाँ पे देख देख। कैसा लगा बिस्किट अभी खाने में? बिस्किट तो बहुत बढ़िया लगा खाने में। कौन सा बिस्किट खाया है? बिस्किट है टाइगर बिस्किट है, साधारण बिस्किट है। अच्छा, मैं खाने में बहुत मजा आ रहा है। तो ये स्मोक निकला इससे? स्मोक निकला इससे। ये स्मोक कैसा लगा? ठंडा ज्यादा लग रहा था क्या? ठीक था, नॉर्मल ठंडा अभी, जैसे खा रहे थे वैसे ही। वैसे ही है। लेकिन अनुभव कैसा लग रहा है, धुआं जो निकल रहा है पूरा मुँह से और नाक से? पूरा ठंडा धुआं निकल रहा। मजा आ गया? मजा आया। क्या नाम हुआ? MD आजाद। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है अभी स्मोक बिस्किट खा के? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ इससे आपको दिक्कत भी लगा या पहली बार खा रहे हैं क्या? पहली बार तो खा रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं लगा, जैसे डाले ना अंदर तो पूरा ठंडा टाइप का लगा। अच्छा, धुआं भी ठंडा निकल रहा था। धुआं भी ठंडा निकल रहा था। अभी मूड कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। कोई साइड इफेक्ट नहीं लग रहा है ना? कोई साइड इफेक्ट। साधारण बिस्किट था इसमें? साधारण। क्या नाम हुआ? मेरा विशाल कुमार। पहली बार कभी खाए थे स्मोक बिस्किट? कहाँ खाए हैं आज? यहीं पे खाए। कौन जगह ये? अच्छा, तो यही डिज्नीलैंड मेला में लगा है। कैसा लगा बिस्किट खाने में? अच्छा लगा। साधारण बिस्किट की तरह था क्या, कुछ अलग था उससे? अलग था। हुँ? कुछ अलग। कुछ कैसा महसूस हुआ फिर भी, जैसे मुँह लगा, ठंडापन लगा? ठंडा पन लगा। क्या नाम हुआ? क्या कैसा अनुभव लगा बिस्किट का? हमको तो नॉर्मल ही लगा, नॉर्मल ही लगा, बस ठंडा था, बस ठंडा था, बस धुआं जो निकल रहा था बस वही नॉर्मल, वही बस उसका इंडिफरेंट था। मजा आया? हाँ, बस इसी कारण आप लोग खाते हैं। क्या नाम हुआ? मनीष भारती। अच्छा, आप स्मोक बिस्किट खाए अभी, कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? नया अनुभव था, अच्छा लगा। नया अनुभव था। साधारण जो बिस्किट बाजार में होता है वही बिस्किट था क्या? बिस्किट वही था, लेकिन
स्मोक के साथ था तो अच्छा लगा और स्वाद भी मजा आया। पहले खाए थे कभी? नहीं, ये फर्स्ट टाइम। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लगा? नहीं, अभी तक नहीं लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार।